अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भिंडी गोश्त जो होता है, और यहाँ जो उसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, मैंने चीज़ें कुछ यूँ ली हैं कि यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 मैंने ली है ऑनियन, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ ली है हल्दी, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर नमक, और 1/2 केजी मैंने ली हैं ये भिंडियाँ, और 1/2 केजी जो है मैंने लिया है यहाँ गोश्त, ठीक है, बोन वाला। तो इन तमाम चीज़ों को जो है अब हम जो प्याज ली है हमने, टमाटर हैं, और इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, फिर हम इसका मसाला भूनेंगे, फिर तमाम चीज़ें जो हैं हम साथ साथ करते चले जाएंगे। और रेड चिली पाउडर जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने कम ली है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, और सॉल्ट जो है वो भी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। तो आइए मिलके बनाते हैं भिंडी गोश्त। तो ये देखिए जो मैंने ये भिंडियाँ ली हैं, आपने इसको पहले इसका जो ऊपर से टॉप होता है वो काट देना है, और यहाँ से ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ये भी काट देना है। अच्छा जी, आपने इसको इस तरीके से कट लगाना है बीच में से, ये देखें इस तरीके से। ये मैंने कट क्यों लगाया है, ये मैंने इसलिए लगाया है कि आप अंदर देख सकें, क्योंकि भिंडियों के अंदर अक्सर कीड़ा होता है। तो इसी तरीके से आप लोग भी इसको कट लगाएं, ज़्यादा नहीं खोलना आपने, बस जस्ट इतना खोल के देख लें कि भिंडी अंदर से साफ है। इसी तरीके से आप लोग भी काटें, और भिंडी गोश्त का यही मज़ा है, भिंडी जो है वो पूरी डलती है, हाफ इसको नहीं करेंगे हम। तो आप भी इसी तरीके से कट लगा के, और जस्ट इसको सिर्फ देख लेंगे अंदर कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि भिंडियों में काफ़ी दफ़ा कीड़ा जो है आ जाता है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ मिल के बनाते हैं मज़ेदार सा भिंडी गोश्त। अच्छा जी, तो चलें रेडी करते हैं हम। यहाँ पे अपना फ्लेम जो है वो हमने ऑन कर दिया है, मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। अगर आपने हांडी में बनाना है तो आप हांडी में बना लें, मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3/4 कप मैंने लिया है ऑयल, ठीक है। अब मैं ऑयल इसमें ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो साथ हम इसमें डाल देंगे जो 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, हम वो ऐड कर देंगे इसमें, ऑयल हमारा गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डाल दिया हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब ये जो मैंने टमाटर और ऑनियन ली थी उसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है अच्छा सा, और अब मैं ये भी ऐड कर दूंगी। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये साइड्स में जो बबल्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए। तो अब हम जो तमाम हमारे मसाले थे हम वो ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर, ठीक है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अब इन मसालों को जो है हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। हमने भून लेना है जब तक हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए उस टाइम तक, ठीक है। फ्लेम जो मैं इसका मीडियम पे कर दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से जो है ये बॉईल हो रहा है। तो ये देखिए, साथ ही जो है मैं जो हमने गोश्त लिया था मैं वो ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने सॉल्ट लिया था। अच्छा जी, ये देखिए गोश्त जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ जो है मैंने ये एक चीज़ ली है, ये है जी टमाटो पेस्ट। टमाटो तो मैंने ग्राइंड किए थे प्याज के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ये 1.5 टीस्पून टमाटो पेस्ट का ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा लगता है सालन में। ठीक है, इसको मिक्स कर दूँगी। अब हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के और हम इसका प्रेशर लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब मसाला जो है हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और हम इसका प्रेशर लगा देंगे। अगर आपने हांडी में बनाना है तो आप देख लें कि आप कितने आप लोग का जब गोश्त गल जाए तो फिर आप फ्लेम ऑफ कर दें। और मैं लगा रही हूँ अब इसमें प्रेशर, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पहले पानी। पानी ऐड करके और फिर हम इसका लगा देंगे प्रेशर। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने ले लिया है 1 ग्लास पानी और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, 1 ग्लास ही हम इसमें पानी डालेंगे अच्छे से मिक्स करके और अब हम इसका प्रेशर लगा देंगे। ठीक है, टू 15 मिनट्स के लिए मैं इसका प्रेशर लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पे और फिर मैं इसको देखती हूँ कि ये अगर इसकी जो बोटी हमने गोश्त डाला है अगर वो गल गया है तो फिर हम इसका जो प्रेशर है वो हटा देंगे। उसके बाद हम अपनी जो हमने पिंडियाँ यहाँ पर काट ली थी हम उसको ऐड करेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे 15 to 10 मिनट्स में। देखिए हमने जो है प्रेशर कुकर का कवर जो है वो हटा दिया था। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है और अब हम जो हमने भिंडियाँ यहाँ पर काटी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये वॉश हो के हमने सब इसको काट लिया था ताकि इसमें कीड़ा ना हो। मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे कट करना है, तो अब मैं ये भिंडियाँ ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले में अच्छे से पहले करूँगी मिक्स। ठीक है, फ्लेम जो है वो अभी हमारा ऑन है, फ्लेम को जो है हमने बंद नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए अच्छे से पहले मैं इसको मसाले में मिक्स कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, अब जो है मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने ले लिया है पानी, तो पहले मैं यहाँ पर 1 ग्लास पानी डालूंगी। और यहाँ मैंने 1/2 ग्लास और लिया था, लेकिन मैं इसमें देखूंगी कि अगर मुझे लगता है कि इसमें मुझे डालना चाहिए ये पूरा तो फिर मैं डालूंगी, नहीं तो मैं इसमें थोड़ा ही डालूंगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, तो मैंने इसमें 1/2 ग्लास जो था उसका मैंने पूरा नहीं डाला है। ये देख सकते, ये देखिए अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी ताकि हमारी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। ठीक है, ये देखिए ये 1/2 का जो थोड़ा सा पानी रह गया था मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, तो यानी कि हमारा पूरा 1.5 ग्लास जो है हमने इसमें पानी ऐड करा है। अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें, हम ज़्यादा शोरबा नहीं लेते हैं, ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता है, तो हम मैं इतना ही डालूंगी। अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बॉयल दूंगी अच्छा सा, ये देखिए, और फिर मैं इसको बिल्कुल
मैं लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे मैं इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो हमारी भिंडियां हैं वो अच्छे से गल जाएं। और ये जो मैंने यहाँ पर लिया था गरम मसाला पाउडर मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ठीक है, इसको भी मिक्स कर देती हूँ। जब इसमें एक अच्छा सा बहुत तेज़ वाला बॉयल जो है वो इसमें आ जाएगा, फिर मैं इसको 20 मिनट्स के लिए कवर करके मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि हमारी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे 20 मिनट्स में। तो ये देखिए हमारा भिंडी गोश्त जो है बड़े मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सा भिंडी गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। और मैंने इसके साथ बनाए हैं वाइट राइस। अगर आप इसको रोटी से खाना चाहते हैं तो आप रोटी से खाएं, लेकिन मैं जो हूँ वाइट राइस से खाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी भिंडी गोश्त और चावल का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।